सो गाइस आई होस्ट रोहित, बैक टू न्यू। आज अपन हम बात करने वाले एक ऐसे क्रिप्टो के बारे में विच आई थिंक कैन पंप इन द फ्यूचर, विच आई कैन नहीं, इट माइट पंप इन द फ्यूचर एज फार एज माई एनालिसिस गोज। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने यहाँ पर रिजेक्शन दिखाए हैं एट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल छः बार इसने रिजेक्शन दिखाया यहाँ पर। और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी पकड़ा है। सो अभी हमें बस ये देखना बाकी है कि क्या यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, क्या वो एक ग्रीन कैंडल होगी। अगर वो एक ग्रीन कैंडल होगी देन वी माइट सी अ रिवर्सल ईयर फ्रॉम राइट नाउ। यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। उसके बाद लेटर, वैसे भी ये फ्लैग जो ब्रेकआउट है यहाँ पर एंड होने ही वाला है, तो अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती है एंड इफ़ इट गोज आउटसाइड दिस ट्रेडिंग जोन, तो हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा पंप भी देखने को मिल सकता है। एंड ये बस पंप इतना सा नहीं रहेगा, ये और भी ज़्यादा पंप हो सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर इसने लास्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट दिया था उसके बाद से ये कहाँ तक गया था, उसके बाद इसने जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था तब ये कहाँ तक गया, एंड अभी जब ये ब्रेकआउट देगा तब ये कहाँ तक जाएगा, वी नेवर नो। बट ब्रेकआउट के पहले हमें यह अंदाज़ा लगाना एंड इन्वेस्ट करना ये ऑब्वियसली आना चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द क्रिप्टोज राइट नाउ आर गोइंग रेड बिकॉज थोड़ा सा सेलिंग चालू है क्रिप्टो मार्केट में। बट यहाँ पर हमें सपोर्ट्स देखने, कहाँ पे राइट एंट्री लेनी है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने डॉज कॉइन जब बढ़ रहा था तो बहुत से लोगों ने 30 रुपीज़ पर डॉज कॉइन लिया, अभी 23-24 पे ऊपर पे ट्रेड कर रहा है राइट नाउ। अभी जब वीडियो देख रहे हो तो अलग होगा, राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इट इज़ 23 रुपीज़। ओके, सो डॉज कॉइन की तरह यहाँ पर बिट टॉरेंट भी हम देख सकते हैं, ये बिट टॉरेंट है। ओके, इन केस यू हैव नॉट हर्ड, ये बिट टॉरेंट है, BTT डॉलर, अगर आप ये दिख नहीं रहा फॉर एग्जांपल आपका क्वालिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट। ओके, सो यहाँ पर ये बिट टॉरेंट है जो हम देख सकते हैं यहाँ पर करेंटली। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट मारता है सो हमें एक अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड हम देख सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों ने बिट टॉरेंट BTT यहाँ पर भी बाय किया है, अभी वो बोलेंगे कि अरे वी आर इन वेरी लॉस, इट इज़ नॉट अ ग्रेट क्रिप्टो, इट इज़ अ बैड क्रिप्टो, बट इज़ नॉट लाइक दैट, यू आर नॉट बाइंग एट राइट लेवल्स। ओके, सो अभी राइट लेवल है इसे बाय करने का, ये तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेकआउट मारेगा। बट अगर जो बेरिश बोल रहे कि अगर का फुल सेल ऑफ चालू हो गया देन ओनली इट हैज़ चांसेस ऑफ गोइंग डाउन, बट फुल सेल ऑफ चांसेस स्टार्ट होने के चांसेस बहुत कम है राइट नाउ। थोड़ा सा रिस्क तो है, ये रिस्क फैक्टर तो आपको जानना पड़ेगा, बट राइट नाउ आई थिंक जो हम देख सकते हैं रिजेक्शन आए हैं वहाँ से एक रिवर्सल ही देखने को मिलेगा एंड ब्रेकआउट भी जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाय अ क्रिप्टो बिफोर इट ब्रेक्स आउट देन दैट इज बिट टॉरेंट। ओके, आई होप यू डाउट सभी को समझ आ चुकी होगी। इट्स अ होस्ट।